हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन टेक नेवी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास आ गया है आज एक बहुत ही एक्साइटिंग गेमिंग लैपटॉप। हाँ दोस्तों, हमने एक गेमिंग पीसी का सेटअप किया था कुछ समय पहले। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा सकते हो यहाँ पर, जहाँ पर आपको कम्प्लीटली उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक गेमिंग लैपटॉप की, जिसे आप गेम करते हुए ट्रैवल कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कहीं हॉलीडे पर भी गए हो तो भी आपको कोई अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप को साथ में लेके जाइए, गेम स्ट्रीम भी कर सकते हैं और बढ़िया मजा ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं लेनोवो के लीजियन 7i 10th जनरेशन इंटेल कोर i7 लैपटॉप की, जो यहां पर मेरे सामने है इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स थोड़ा सा खराब है, अगेन दैट्स बिकॉज द रिव्यू यूनिट है ये, और मैं आपको डायरेक्टली ये पैकेज दिखाता हूं। और अगर हम बात करते हैं तो ये लैपटॉप आता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, 16GB रैम, 1TB SSD, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, NVIDIA RTX 2080 सुपर, मतलब 8GB का ग्राफिक्स कार्ड है, और 2.25 kg का वेट है। वेट इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट देन यू नो दिस इज़ व्हाट यू गेट। और ये है ऑल न्यू लेटेस्ट लेनोवो की तरफ से लीजियन 7i लैपटॉप। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आपको दिखाता हूँ इसके कंप्लीट फीचर्स। तो दोस्तों ये है हमारे सामने बॉक्स के कंटेंट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको बॉक्स है जिसके ऊपर लिखा हुआ है LEGION, हालांकि कट किया हुआ है, एंड दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिजाइनिंग फैक्टर। साइड में भी लीजियन की ब्रांडिंग है और काफ़ी भारी है बॉक्स, और डायरेक्टली क्योंकि ये रिव्यू यूनिट है मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स क्वाइट ओपन अप। तो बॉक्स खोलते ही हमारे सामने आ जाता है ये नया ब्यूटीफुल लैपटॉप। तो मैं इसे बॉक्स में से निकाल देता हूं, एंड दैट्स क्वाइट रेयर कि आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग मिलती है। इसी के अंदर यहां पर है रीडिंग मैनुअल्स, मतलब सेटअप गाइड है आपके सामने, उसी के साथ साथ है सेफ्टी एंड वारंटी बुकलेट, और विंडोज 10 मतलब आपको यहां पर उसका लाइसेंसिंग का इंफॉर्मेशन है। और यहां पर क्लियर मेंशन है कि जो विंडोज 10 का लाइसेंस है दैट्स ओनली इंटेंडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो ये रहा चार्जर, जिसमें आपको मिल जाता है एक प्रोप्राइटरी पिन। यहाँ पर आपको टाइप सी पिन नहीं मिलता है, ना ही आपको यहाँ पर कोई राउंड पिन मिलता है। ये है एक कस्टम चार्जर जिसका यहाँ पर पावर इनपुट है 230 वॉट। ये रहा ऑल न्यू लेनोवो का लीजियन लैपटॉप। एंड बॉस इट्स 2.3 kg एंड लुक्स लाइक अ वेरी सॉलिड पीस ऑफ लैपटॉप, मतलब बहुत ही भारी भरकम तो लग रहा है लेकिन यू नो एक सॉलिड लैपटॉप की तरह लग रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस लेनोवो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस की, तो ये है 10th जेन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ, और उसी के साथ साथ आपको मिलता है प्री लोडेड विंडोज 10 होम। यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं इस लैपटॉप का फिजिकल ओवरव्यू, और यहाँ पर आपको मिलता है पावर इनपुट के लिए पोर्ट, उसी के साथ साथ 2 USB A पोर्ट्स, HDMI, इथरनेट, केंसिंगटन लॉक, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सिंगल USB A का पोर्ट मिल जाता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं थंडरबोल्ट 3 के पोर्ट, USB C और 3.5 हेडफोन जैक, और कूलिंग के लिए यहाँ पर आपको सिंगल वेंट मिल जाते हैं दोनों साइड में, और इसी के साथ साथ दो और एडिशनल वेंट्स पीछे की तरफ, मतलब कंप्लीट पावर पैक लैपटॉप है ये। अब चलिए हम बात करते हैं बिल्ड की। अगर हम कंपेयर करते हैं रेगुलर बजट गेमिंग लैपटॉप्स की तो वो आते हैं प्लास्टिक बॉडी के साथ, लेकिन लीजियन 7i आता है एल्यूमिनियम चेसिस के साथ, जो आपको बहुत ही प्रीमियम लुक दे देता है। उसी के साथ साथ एनोडाइज्ड सरफेस जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस को छुपा देते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेसी शटर का भी ऑप्शन मिल जाता है जो छुपा देता है आपके वेबकैम को जब आप यूज नहीं करते हो। और ये लैपटॉप आता है 2 2W के स्पीकर्स के साथ जो सपोर्ट करते हैं डॉल्बी एटमॉस। दोनों वेबकैम और स्पीकर के फंक्शंस काफी बढ़िया है अगर हम कंपेयर करेंगे जनरल गेमिंग लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। और जो RGB लाइटनिंग आपको मिलती है कीबोर्ड के अंदर वो भी बहुत ही बढ़िया आपको यहां पर दिखती है। अगर हम बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले की तो ये आता है 15.6 inches के LED बैकलिट डिस्प्ले के साथ जो है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और ये है G-Sync कंपैटिबल। यहां पर आपको मिलता है 100% Adobe RGB Gamut, HDR 400 और Dolby Vision। ये डिस्प्ले ऑफर करता है बहुत ही बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन, और उसी के साथ साथ ये रेजोल्यूशन सिर्फ लिमिटेड है 1080p में। हालांकि गेमर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मतलब फुल HD में गेम खेलो और कंप्लीट पावर फीचर्स का बढ़िया मजा लो। एंटी ग्लेयर फिनिश और पीक ब्राइटनेस 500 nit
इफेक्ट्स का आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दे देता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाता है कम्प्लीटली फ्लैट ले, और यहाँ पर बहुत ही पतले बेजल्स भी आपको मिल जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की, वो है इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस। इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है क्यू कंट्रोल का एक बिल्ट इन फीचर जो फटाफट से आपको स्वैप करेगा परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स के थ्रू, जैसे कि बैलेंस, परफॉर्मेंस और क्वाइट, और ये एक्सेस कर सकते हो सिर्फ आप FN और क्यू बटन दबाते हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन से मोड में है वो आपको सिर्फ पता चलेगा पावर LED बटन के थ्रू, जिसमें आपके कलर्स चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर जो ड्यूअल बर्न है लीजियन 7i में, वो पुश करता है आपके CPU और GPU को मैक्सिमम लिमिट्स तक बिना कोई थ्रॉटलिंग के। हम जो बात कर रहे हैं हमारे सिस्टम की, वो है 10th Gen i7 के साथ 8GB NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max Q GPU, 16GB का 3200 DDR4 RAM है, 1TB का M2 NVMe SSD है और वेपर कूलिंग का चैम्बर है। और हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्क्स भी रन किए और ये रहे उसके रिजल्ट्स। 1276 का सिंगल कोर का हमें रिजल्ट मिला Geekbench में, 7378 का मल्टी कोर में। Cinebench में जब हमने रन किए स्कोर्स, तो 1204 का सिंगल कोर और 8961 का मल्टी कोर का रिजल्ट मिला। दोस्तों अब समय आ गया है गेमिंग का, और यहाँ पर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट चेक करने के लिए हमने यहाँ पर मल्टीपल गेम्स खेले। शुरुआत के लिए GTA 5 और Rise of the Tomb Raider गेम खेला मैक्सिमम सेटिंग्स में, और वो भी लैपटॉप के परफॉर्मेंस मोड में, और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिफ्रेश रेट हमें देखने मिला 145 हर्ट्ज का, और लोएस्ट था 87 हर्ट्ज का। और ये रहा गेमिंग का एक छोटा सा डेमो। सो फाइनली दोस्तों, हमने 3 दिन तक इस लैपटॉप को यूज़ किया है, और ये है मेरे थॉट्स, मेरा सुपर क्विक वर्डिक्ट इस लैपटॉप को लेकर। अब प्राइस है इसकी 2 लाख के ऊपर, और उस हिसाब से मुझे लगा कि भाई मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के बारे में शेयर करूं। सबसे पहली बात तो इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बहुत ही बढ़िया पावरफुल हार्डवेयर है, 80 वॉट आवर की जो बैटरी है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो पैकेज के अंदर जो 230 वॉट का चार्जर आपको मिलता है, AC एडाप्टर है, वो बहुत ही बढ़िया है और आपके लैपटॉप को चार्ज कर देता है 50% सिर्फ 30 मिनट्स में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड को लिबारे में, और किसी अदर गेमिंग लैपटॉप की तरह लीजियन 7i आता है RGB कीबोर्ड बैकलाइट के साथ, जो आप यहां पर एक लाइव डेमो देख सकते हो। फुल साइज कीबोर्ड है, प्रिसिशन टचपैड फंक्शंस है, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, लेकिन जो की ट्रैवल है ये थोड़ा बहुत मुझे पसंद नहीं आया लॉन्ग टर्म यूसेज पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और कीज भी काफी से फ्लैट है। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे चीज की, जो है हीटिंग को लेकर। अगेन हमने ये लैपटॉप को सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही यूज किया है, और हमारा जो एक्सपीरियंस था उसी के साथ साथ दूसरे गेमर्स का भी एक्सपीरियंस हमने लिया, तो उसे पता चला कि ये लैपटॉप बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, और कूलिंग के हिसाब से इट्स नॉट अप टू द मार्क। अगेन इसके फैंस बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं, लेकिन द लैपटॉप स्टिल गेट्स हीटेड अप। और अगर आप इसे लेकर ट्रैवल करते हो, या फिर अगर आप जा रहे हो कहीं लॉन्ग टर्म ट्रैवल में और वहां पर आपको लग रहा है कि मैं गेमिंग करूं, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग will you be playing games on this laptop, because it does get heated up। अब अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे important point की, तो वो ये है कि अभी के लिए आप इस laptop को ले लो और आपको लगे कि future में मुझे RAM और SSD बढ़ानी है, तो आपको बहुत ही बढ़िया slots मिल जाते हैं, जिसका फायदा ये है कि आप future में इसे upgrade कर सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल वर्डिक्ट की, तो ये एक पर्टिकुलर मॉडल मुझे लगा थोड़ा सा ओवर प्राइस, और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, और ओवरऑल दिखने में भी सुपर कूल दिखता है ये। लेकिन अगर इसकी प्राइस 2 लाख के नीचे होती तो ये बहुत ही इजीली मैं रिकमेंड कर देता, लेकिन एट दिस प्राइस पॉइंट ऑफ 2,45,000 रुपीज़ मुझे थोड़ा सा ये महंगा लैपटॉप लगा। अगेन ये थे मेरे सुपर क्विक थॉट्स और एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग Lenovo के Legion 7i लैपटॉप की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।